अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आप सब दोस्तों को पता है कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। इसका मेन पर्पस जो है आप सब दोस्तों को प्यास एमएस फेलोशिप टेस्ट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन और गाइडलाइन प्रोवाइड करना था। अभी तक मैंने आपके साथ डिफरेंट डिसिप्लिनस के जो पास पेपर्स हैं प्यास के वो शेयर किए हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 2021 के पेपर जो हैं इनके वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं फिजिक्स 19 का जो पेपर वो भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। फिर मैंने जो है आपको ये भी बताया कि जो 2019 तक जो है जो पेपर होता हुआ करता था प्यास का, उसके दो पार्ट हुआ करते थे। एक जनरल पार्ट हुआ करता था और एक फिर सब्जेक्ट पार्ट हुआ करता था, क्योंकि बाद में फिर 19 के बाद कोरोना आ गया तो जो जनरल पार्ट है उसे ख़त्म कर दिया गया और पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया। बहरहाल इस दफ़ा पेपर का जो भी पैटर्न होगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर भी, और इसके लिए जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे तो वो एक कंप्लीट डिटेल्स जो है उसके बारे में प्रोवाइड कर दी जाएगी वेबसाइट के ऊपर। तो खैर, फिलहाल आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सब्जेक्ट बेस्ड तैयारी कर लें अपनी, और अगर जब एडमिशन ओपन होंगे अप्रैल में तो अगर सब्जेक्ट बेस्ड आपकी तैयारी जब कंप्लीट होगी तो अगर जनरल की तैयारी करनी भी आपको होगी तो वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उसे 10 से 15 दिनों में आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो है इंटरव्यूज जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर का इंटरव्यू है। इंटरव्यू से रिलेटेड जो है मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ कि एक तो ये कि इंटरव्यूज जो है वो 3 सेंटर्स होते हैं इसके, इस्लामाबाद में, कराची में और लाहौर में। और नॉर्मली यही होता है, या इस्लामाबाद में पहले होते हैं इंटरव्यूज फिर लाहौर और कराची, या ये होता है कि कराची पहले है लाहौर फिर इस्लामाबाद। तो किसी तरह भी इस तरह मतलब ऑर्डर जो है वो चेंज करते रहते हैं। और इंटरव्यू के भी जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक जनरल पार्ट होता है और एक टेक्निकल पार्ट होता है। टेक्निकल पार्ट ये होता है कि जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। सपोज आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स के, मैथमेटिक्स को भी इन्वॉल्व करते हैं वो लोग। मैथमेटिक्स हो गई आपकी, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गई, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गई, क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, तो ये पार्टिकल फिजिक्स हो गई, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन से रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है सब्जेक्ट पार्ट, जनरल पार्ट, सॉरी। जनरल पार्ट क्या होता है? जनरल पार्ट में ये होता है कि आपसे रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी हॉबीज क्या है और आपको आपको क्या पसंद है, आपकी हैबिट्स क्या हैं, अच्छी हैबिट्स क्या हैं, बुरी हैबिट्स क्या हैं, और फिर जनरल नॉलेज के थोड़े बहुत रिलेटेड क्वेश्चन जो है, जिस तरह सन क्या है और रिसेंटली नोबेल प्राइज किसको मिला, इस किस फील्ड में आपके रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो बहरहाल ये अभी मैं आपके साथ जो है इलेक्ट्रिकल पावर इंटरव्यू जो है शेयर करने जा रहा हूँ। ये इस्लामाबाद में इंटरव्यू जो है हुआ था और 4/10/2021 को, मतलब जो लेटेस्ट इंटरव्यू हुए हैं इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिकल पावर के, ये वो एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो टेक्निकल इंटरव्यू जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सब्जेक्ट इंटरव्यू होता है, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इनसे जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तो इंट्रोड्यूस कर दें आप अपने आप को, और नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है आपसे अगर टेक्निकल इंटरव्यू में ना भी पूछा जाए तो आपसे जनरल इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। और जो जनरल इंटरव्यू होता है उसमें आपके 8 से 9 लोग जो है बैठे होते हैं, साइकेट्रिस्ट भी मौजूद होते हैं, फिर आपके डीन होते हैं, रेक्टर भी हो सकते हैं, और मतलब HR ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लोग भी मौजूद होते हैं और काफी सीनियर लोग मौजूद होते हैं। जबकि जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है उसमें नॉर्मली 3 लोग मौजूद होते हैं, और वो आपके जो है जिस डिपार्टमेंट है उसके वहाँ के HOD साहब होते हैं, और इस तरह 2 और सीनियर मोस्ट टीचर होते हैं। बहरहाल इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये थे कि एक तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें आप, फिर FYP मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। नॉर्मली कुछ यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं होता, जिस तरह फिजिक्स वालों का अगर कजाज यूनिवर्सिटी बात की जाए तो उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं होता, लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं उनका तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो कंफर्म होता है, लाजमी होता है। तो अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो उससे रिलेटेड जो है वो लाजमी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, और इस पे थोड़ी बहुत डिस्कशन भी की जाती है। और ये फिर उन्होंने ये कार्ड ब्लॉक डायग्राम जो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो है वो प्लॉट कर दे। जहर वैसे बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन जब कोई ब्लॉक डायग्राम खाई जाती है तो उसी योग कह के आप जो है फ्लो चार्ट या इसके जरिए जो है आप सिंपली
कुछ एक पेज के ऊपर कुछ ड्रा करके आप अपनी पूरी जो है वो समझा देते हैं कि आपकी पूरी थीम क्या थी और प्रोजेक्ट था क्या। इसी तरह डिजाइन अ हाई पास फिल्टर यूजिंग ओप एम्प राइट इट्स ए ट्रांसफर फंक्शन। तो इन्होंने ये कहा था कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं उसके लिए हाई पास फिल्टर जो है वो बना दें और उसका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो लिख दें। फिर इसके अलावा इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन एन अनलोडेड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन व्हाट विल बी रिसीविंग एंड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। और इस तरह जो है व्हाट इज अफेक्ट ऑन इंडक्टेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। तो ये थोड़ा बहुत फिजिक्स रिलेटेड भी क्वेश्चन है, फिजिक्स वाले भी इससे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम जो है जो कंडक्टर होता है तो उसके दरमियान अगर डिस्टेंस जो है हम कम कर दें तो इंडक्टेंस के ऊपर जो है वो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसकी एक मैथमेटिकल रिलेशन होती है, उससे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कम करने से हमारे पास जो इंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी या कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा स्किन इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, तो इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने कहा था। और ट्रांसफार्मर की टाइप्स कौन सी होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, और यहाँ कोई ऑटो ट्रांसफार्मर भी इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग वाले इससे बखूबी वाकिफ होंगे। और हाउ मेनी वाइंडिंग्स आर देयर इन ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग्स होती हैं, ये क्वेश्चन मैंने उन्हें पूछा था। तो देख लें इतना कोई मुश्किल ये टेक्निकल इंटरव्यू नहीं था, सिंपली एक तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने कहा, फिर उन्होंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था आपका वो बताएं, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की, उसकी फ्लो चार्ट एक उन्होंने बनवा ली, फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए हाई पास फिल्टर उन्होंने बनवा लिया और उसको ट्रांसफर फंक्शन लिखवा लिया। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कंडक्टर के बीच अगर डिस्टेंस कम कर दें इंडक्टर्स के पे क्या फर्क पड़ेगा, स्किन इफेक्ट क्या होता है, ट्रांसफार्मर की टाइप्स बता दें, और ऑटो ट्रांसफार्मर को जो है उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। तो ये था टेक्निकल इंटरव्यू। दूसरा होता है जनरल इंटरव्यू। तो देखें जनरल इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में यही होता है आप अपना नाम बताएं, आप बताएं कि मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, कहाँ से हासिल की है, फिर अपनी फैमिली से रिलेटेड थोड़ा सा बता दिया करें, और मेरी सिबलिंग्स क्या कितने बहन भाई हैं आपको, और नॉर्मली फिर पूछ भी लेते हैं कि आप बड़े हैं छोटे हैं, और आपके बड़े दूसरे बहन भाई जो है वो क्या करते हैं, फैमिली के बारे में बताएं, फैमिली और इसमें आपके फादर का ऑक्यूपेशन वगैरह आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये चीजें होती हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ पावर प्लांट। ये क्वेश्चन इस वजह से पूछा गया क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर का जो है वो इंटरव्यू हो रहा है, तो ये ऑब्वियस है, ये एक जनरल सी चीज है कि थर्मल पावर और जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के उनमें क्या फर्क होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर को जो है वो चीज पता होनी चाहिए। इसके अलावा शेर व शायरी आपको पसंद है, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछे जाते हैं। और अगर आप कहते हैं कि हाँ मुझे पसंद है, तो फिर आपसे वो पूछेंगे आपका फेवरेट शायर कौन है, तो आप बताएंगे, फिर उससे का कोई आपको वो कहेंगे कि शेर सुना दे, फिर उसकी तशरीह भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आप जब भी तैयारी करें तो आप ये चीजें भी देख लिया करें कि अगर आपको किसी चीज की शौक है, जिस तरह गेम से रिलेटेड कोई पूछे हुए, अगर लोग कह देते हैं कि क्रिकेट है लेकिन वो उससे रिलेटेड फिर कोई क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो अगर आपको चीज बताएं तो आप वो बताएं जिसको आप पसंद हो लेकिन आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज भी हो, तो ये देखें। और इसके अलावा ये एक जनरल से उन्होंने पूछ लिया कि कोई आपके सामने टेबल पड़ा हुआ होगा जाहिर है, तो उनका इसका वॉल्यूम आप बता सकते हैं। तो ये इस तरह के जो है क्वेश्चन जो है जनरल इंटरव्यू पूछे जाते हैं। आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपकी फैमिली के बारे में, आपका फैमिली बैकग्राउंड, फिर थोड़ा सा आपकी फील्ड से रिलेटेड जो है जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब फिजिक्स वाला अगर दे रहा है तो उसे पूछ लेंगे कि रिसेंट नोबेल प्राइज किसको मिला है, फिर पूछ लेंगे सन कहाँ पे है, नासा क्या है, और आपके कोई फेवरेट पर्सनैलिटी जिससे आप वो फैसिनेट हो, लोग कह देते हैं स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टाइन, फिर उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आइंस्टाइन की कोई फेमस इक्वेशन बता दें, लोग इक्वल टू एम सी स्क्वायर कह देते हैं, फिर वो कहते हैं इसकी डेली लाइफ में कोई एग्जाम्पल दे दें, फिर शेर व शायरी आपको पसंद है, कौन सी गेम आपकी फेवरेट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, और ये इस तरह जो है वो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली जो है आज आपके साथ मैंने इलेक्ट्रिकल पावर इंटरव्यू जो है 2021 का वो शेयर किया है। तो उम्मीद है आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपने जनरल इंटरव्यू की किस तरह तैयारी करनी है और टेक्निकल इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है। तो जनरल इंटरव्यू में यही एक टिप है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने कोई झूठ नहीं बोलना, जो सच हो आपने वो बताना है, तो और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।